राजपाल यादव बॉलीवुड के उन मशहूर और दिग्गज हास्य कलाकारों में से एक है जिन्होंने अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों के दिलों को हमेशा जीता है। उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले राजपाल यादव ने लंबे संघर्ष के बाद बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई है। वो अपना जन्मदिन 16 मार्च को मनाते हैं। इस मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी खास बातें बताते हैं। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई उत्तर प्रदेश से की है। राजपाल यादव ने अभिनय की पढ़ाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से की है। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत दूरदर्शन के चर्चित टीवी सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने से की थी। इसके बाद राजपाल यादव ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया। बॉलीवुड में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1999 में फिल्म दिल क्या करे से की थी। इस फिल्म में उन्होंने छोटा वॉचमैन का किरदार निभाया था, जो कि बहुत छोटा किरदार था। इसके बाद राजपाल यादव ने जंगल, कंपनी, हम किसी से कम नहीं, हंगामा, मुझसे शादी करोगी, मैं मेरी पत्नी और वो, अपना सपना मनी मनी, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के और भूल भुलैया सहित कई शानदार फिल्मों में अपना बेहतरीन अभिनय दिखाया है। इसके अलावा राजपाल यादव की पर्सनल लाइफ की बात करें तो राजपाल यादव अपनी फैमिली को लाइमलाइट से हमेशा दूर ही रखते हैं। राजपाल से उनकी पत्नी राधा उम्र में भले ही 9 साल छोटी है, लेकिन कद में वो उनसे लंबी है। राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोगों को लगता है कि उनकी पत्नी राधा उनसे बहुत लंबी है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ 1 इंच ही लंबी है। राजपाल के मुताबिक साल 2002 में वो फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई की शूटिंग के लिए कनाडा गए थे। वहीं एक कॉमन फ्रेंड प्रवीण डाबस ने राधा से उनकी मुलाकात कराई थी। दोनों कनाडा के एक कॉफी शॉप पर मिले थे। इस मीटिंग में उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बातें एक दूसरे से शेयर की थी। इसके बाद राजपाल ने राधा के साथ में 10 दिन गुजारे और इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और कई दिनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2003 में 10 जून को इन दोनों ने शादी कर ली। राजपाल यादव और राधा दो बेटियों के पेरेंट्स हैं। राजपाल यादव अक्सर अपनी बेटियों के साथ की तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं।